हरियाणा के 5 जिलों में लिंग अनुपात में एक बार फिर गड़बड़ी हो गई है। इन जिलों में 1000 पुरुषों पर 900 से भी कम बेटियां हैं। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपनी छोरियों को छोरों से कम ना आंकने वाले राज्य हरियाणा में एक बार फिर लिंग अनुपात के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जहां हरियाणा में साल 2022 के लिंग अनुपात के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां जन्म के समय लिंगानुपात 900 से भी नीचे चला गया। दरअसल साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी खराब नजर आ रही है। जहां जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 900 से नीचे चली गई है, वहीं हरियाणा के 5 जिलों में लिंग अनुपात गड़बड़ा गया है। इन जिलों में 1000 पुरुषों के मुकाबले बेटियों की संख्या 900 से कम दर्ज की गई है। इसका खुलासा जन्म लिंग अनुपात यानी SRB की रिपोर्ट में हुआ है। हालांकि साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू होने के बाद हर महीने CMO के अधिकारी समीक्षा करते थे। ये समीक्षा 2019 तक तो जारी रही, लेकिन 2019 के बाद इसको लेकर एक भी बैठक नहीं हुई है। इस टाइम इस पूरे साल का अगर देखें 2022 का तो 903 है, जो कि अभी भी बहुत कम है। पहले और भी कम था इससे, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं धीरे धीरे। एक तो रेड्स कर रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, सारे गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है करनाल की, उनको एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो भी आपके पास फीमेल आती है जो प्रेग्नेंट है और उसकी पहले भी फीमेल्स हैं, तो अगर वो MTP के लिए आती है या किसी ब्लीडिंग के साथ आती है तो सबसे पहले वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। और वो MTP और उनको पेशेंट्स को तब ट्रीट करते हैं जब उनके पास ये प्रूफ है कि उन्होंने कहीं पे रजिस्टर करा रखा है। अभी लास्ट नवंबर की 896 थी और अब दिसंबर की 903 हो गई है। और अगर हम सिर्फ दिसंबर की देखें तो काफ़ी अच्छी इस बारी हमारी सेक्स रेशो है, लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे साल की लेते हैं तो 903 हो गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी हालत में बेटी बेटों से कम नहीं है। और अगर आप देखो तो ये करनाल में जो कल्पना चावला है, ये भी अगर आप देखें तो करनाल की बेटी के नाम पे ही है, उसने भी तो बहुत अच्छा किया ही है। एथलीट्स में भी शायद हमारे हरियाणा की ही बेटियां सबसे आगे हैं। तो बेटी को मारना तो मतलब एक मर्डर ही है। अगर जिसका मन मानता है कि अगर लड़की है तो उसको मार दो और बेटा है तो उसको रखो, तो इससे ज़्यादा गलत तो मुझे लगता है कि कोई धारणा हो ही नहीं सकती है। हिसार 904, करनाल 903, कुरुक्षेत्र 893, फरदाबाद 892, रेवाड़ी 883 जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। हिसार, करनाल, फरदाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी का SRB पहली बार 2016 से 2017 में दर्ज आंकड़ों से नीचे फिसला, जिसके बाद 2016 से 2021 तक लिंगानुपात वृद्धि हुई। कुरुक्षेत्र का SRB 2017-18 में 924 था, लेकिन पिछले साल अचानक ये घटकर 893 रह गया। सारे अधिकारियों को, सारे CMO के साथ मैंने बात की है, हमने उसकी कार्य योजना बना दी है और पूरी शक्ति की जाएगी। जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं प्रदेश में, उनकी सारों की चेकिंग की जाएगी। वो मैंने काम शुरू कर दिया है। जो NCR के हैं, जो वहाँ हैं, तो उनकी भी मैंने डिटेल बनाने के लिए कहा है। हम वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखेंगे कि भाई ये एक एक गली में 10-10 अल्ट्रासाउंड क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने इन आंकड़ों के बाद इन जिलों में लिंग निर्धारण रैकेट की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि SRB के आंकड़े खतरनाक हैं। उन्होंने बताया कि मैंने छापेमारी करने और अल्ट्रासाउंड मशीनों वाली हर सुविधा की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।